सॉरी वहां से मारो। चंगी बस चाकू है चोर के पास तो ना। भाभी जी आप चिंता मत करिए, हम लोग हैं ना। अरे हमें वहां होना चाहिए। चलिए 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 चोर। किधर गया रोक, किधर गया, छोड़ूंगा नहीं। सत्तंगे के घर में चोर है। चुप 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 मेरे पैसे लेके चोर कहां गायब हो गया। कौन है, कौन है? बैग 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 बैग। क्या हुआ सर? नंदन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग चोर चोर हल्ला कर रहे थे इसलिए हम आए। कौन हल्ला कर रहे हैं? अरे मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया। लूट गया? लूट गया? अरे मेरे घर में चोर आया और मेरी तिजोरी से 50,000 रुपए लेके भाग गया। 50,000? क्यों बड़ी बड़ी हाँक रहे हो? 50,000 नहीं, 5,000 लेकर गया है चोर। अरे मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए 5,000 ही 50,000 होते हैं। क्यों बात हो रही है? हाँ वो ठीक है, पर ये दिन दहाड़े चोरी ठीक बात नहीं है। बाबू दिन दहाड़े नहीं, रात दहाड़े। देखो। अरे हाँ मेरा मतलब वही है जालिम। महोदय महोदय, मैं एक बात गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ। मुझे क्या लगता है आगरा का कुख्यात संगीन सेंधमार हमारे विद्यालय के आवासीय परिसर में प्रवेश पा चुका है, वो भी अवैध रूप से। चतुर्वेदी जी जो भी मंगाना दो मंगाना। सेंधमार का मतलब मिठाई नहीं होता है, चोर होता है। सत्संगी एक काम करते हैं, तुम कल सुबह मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना, हम FIR लिखवा देंगे। हाँ मेरे पैसे चले गए। बताओ जय चल रहा है यहाँ पे, कॉलोनी में चोरियां होनी शुरू हो गई हैं। ये बड़ा टेंशन हो रहा है, हमारे घर में चोरी हो गई तो? अरे नहीं नहीं, आपके घर में चोर चोरी नहीं करेगा जीजू। हैं? जालिम तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो कि वो चोर प्रिंसिपल सर के घर में चोरी नहीं करेगा? अरे इनके घर में इनसे ज्यादा कीमती सामान कुछ नहीं है। चोर आजकल समझदार है, किसके घर में चोरी करना है किसके घर में नहीं करना सब मालूम है उसे। नंदन अगर तू मेरा मुंह बोला साला ना होता ना, तो आज मेरे मुंह पे ताला ना होता। बेचारा। कौन मैं? नहीं वो चोर, मुझे तो रोना आ रहा है। किस पे? जीजू पे? नहीं वो चोर, कितना गरीब है वो कि उसे चोरी करके अपना पेट पालना पड़ रहा है। बाबू आप भी सोच लो इनसे शादी करनी है कि नहीं। हाँ करनी है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सर ये तो बहुत ही सीरियस मुद्दा है, हमारी टीचर्स कॉलोनी अब सुरक्षित नहीं रह गई, हमें कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। नहीं नहीं कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, चोर अब दोबारा नहीं आएगा यहाँ। आपको कैसे पता कि चोर दोबारा नहीं आएगा? अरे हम बता रहे हैं ना। अरे रहने दो ना जालिम। अरे नहीं सुनिए तो सही। अरे कहा ना छोड़ो ना। अरे सुनिए ना भाई। अरे छोड़ो यार। अरे बात तो सुनिए। अरे छोड़ो ना। अबे सुनना। नंदन सॉरी सॉरी, गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। सर मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग कल रात को उस चोर का पीछा कर चुके हैं ना मोहल्ले में, अब वो दोबारा कॉलोनी में आने की हिम्मत नहीं करेगा, ये कहना चाह रहे थे। यही सही मौका है
अब इस चोर के बहाने मैं आलू को ऐसा रुकूंगी कि वो आलिया से मिलने जा नहीं पाएगा। अरे आलू, क्या हुआ? एफआईआर लिखवा दी? जी सर, पुलिस ने एफआईआर लिख ली है और उन्होंने कहा है कि वो भी उस काले चोर से बहुत ही परेशान है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें कुछ पता चलता है तो हम भी पुलिस को बताएं। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए अब आप लोग भी अपनी क्लासेस में जाइए, आपकी क्लास का टाइम हो गया है। चलिए। साइलेंस। फिर जहांगीर मुगल साम्राज्य के चौथे सम्राट बने, जिन्होंने 1605 से 1627 तक शासन किया। कब से कब तक? 1605 से 1627 तक। गलत सलत लिखोगे ना मैं मार्क्स काट लूंगी एग्जाम में। तुम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो यार। चलो याद करो, डेट लिख लो अच्छे से। चलो क्या है? मुझे काले चोर से बहुत डर लगता है। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, जाओ क्लासरूम। आलिया, मुझे काले चोर से बहुत डर लगता है। वाह, चोरनी को चोर से डर लग रहा है? वो तो सिर्फ गहने वगैरह चोरी करता है, तुम्हारे तरह दूसरों के पति नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? मुझे काले चोर से बहुत डर लगता है। खुल के कहो ना, क्या कहना चाहती हो? बताती हूँ बताती हूँ। मुझे बस यही कहना था कि मुझे काले चोर से बहुत डर लगता है। तो बच्चों बोलो, कब से कब तक राज किया था काला चोर ने? मतलब कब से कब तक राज किया जहांगीर ने? काले चोर से डर लगता है, काले चोर से मुझे बहुत डर लगता है, काले चोर से डर लगता है। तोते की तरह एक ही बात बार बार बोले जा रही थी। क्या? यही कि काले चोर से डर लगता है। तुझे भी डर लगता है? अरे नहीं, मैं बता रही हूँ कि अरे अगर तारा ने यही बात आके तुझे बार बार कही है ना, तो इसका मतलब उसके दिमाग में पक्का कुछ चल रहा है। वो पक्का कुछ ऐसा कांड करने वाली है जिसका कनेक्शन काले चोर के साथ है। ये तो मैं समझ गई कि वो कुछ करने वाली है, पर वो क्या करने वाली है यही तो नहीं समझ आ रहा। डर लग रहा है काले चोर से। मुझे काले चोर से बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ आ गया। प्लीज मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा तारा, तुम आराम से लेट जाओ, मैं यहीं बैठूंगा। दो बज गए, आलोक कब तक नहीं आया? तुम आराम से सो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ। पक्का ना? ओके। हाँ।
अच्छा बेबी, प्रॉमिस करो कि मुझे काले चोर से डर लगता है, ये बात तुम स्कूल में किसी को नहीं बताओगे, वरना बेबी सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, प्रॉमिस करो। हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, नहीं बताऊंगा किसी को कि तुम्हें काले चोर से डर लगता है। आलोक कितनी देर लगा दी आने में, कब से इंतजार कर रही हूं मैं तुम्हारा, क्या खुशी मिलती है तुम्हें मुझे तड़पाने में, कब से खिड़की भी खोल रखी है तुम्हारे लिए। अब जाने दो, मैं ना सोच रही हूं कि आज तुम्हारे मांगे बिना ही तुम्हें किसमिस दे दूं। सामने खड़े होकर तुम मुझे मैसेजेस भेज रहे हो, क्या हाल हो? लगता है कुछ रोमांटिक शेरो शायरी लिखी होगी। पर तुम तो आ गए। कहाँ गए? हेलो, अगर आलोक नहीं आया तो फिर वो कौन था जो अभी मेरे बेडरूम में आया था, और वो गया कहाँ? हमारे घर में चोरी करेगा? हाँ ये ले, आप बुलाओ अपनी अम्मा को, ये लो। छोड़ मारे मेरे को, छोड़ 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 पकड़ो 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 पकड़ो। भाग गया। अरे महोदय, जालिम चोर तो फिर से चकमा दे गया यार। बाबू अगर आज ये चोर मिल जाता ना तो इसकी हड्डी पसली असली नकली सब तोड़ देता। सच्ची ट्राई करता है और क्या, ये चल रहा है यहाँ पे, ये चोर तो फिर से हाथ से निकल गया। क्या नंदन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो आप लोग कर रहे हैं, हम भी चोर पकड़ने आए हैं। हाँ लेकिन तुम तो यहाँ से आए हो। हाँ नींद नहीं आ रही थी ना तो उधर घूम रहे थे, फिर चोर चोर की आवाज सुने तो इधर से इधर आ गए। कमाल करते हैं सर आप। महोदय अगर ये द्वार बंद होता ना तो चोर कतई नहीं भाग सकता था। अरे भाई ये द्वार मतलब ये गेट लॉक करवाओ। सर मैं बोलता हूँ बंद करने के लिए। चलो कहाँ गए पता नहीं यार। लेकिन वो चोर घर में आया कैसे? जैसे जाते जाते हमको बता के गया हो कैसे गुस्सा है। लेकिन जब सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थे तो वो घर के अंदर कैसे आया?
चोर है, जिन्न नहीं है। जरूर कोई ना कोई खिड़की या दरवाजा खुला छूट गया होगा। अरे मलूना, सोने से पहले तुमने चेक किया था, कोई खिड़की खुली तो नहीं छूट गई थी? ना ना मम्मी जी, मैं क्यों खिड़की खुली छोड़ूंगी? चोर के स्वागत के लिए। अरे हमको तो इसी बात का टेंशन हो रहा है कि चोर आभा के कमरे में घुस आया था। बताओ अगर रात में तुम्हारी अम्मा का गला वाला दबा देता तो बेचारी तो नरक से धार जाती। मम्मी जी क्या स्वर्ग से धार जाती तुम? हाँ हाँ हम जानते हैं, तुम तो चाहती हो ना कि हम स्वर्ग से धार जाए। लेकिन ये भूलना नहीं कि हम तुम्हारी सहेली हैं और हम जहाँ जाएंगे ना तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। हाँ अरे मम्मी, मम्मी जी आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? अरे ऊपर वाले का शुक्र कीजिए कि हम सब लोग सुरक्षित हैं। हाँ पर कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। पहले चोर हमारे घर पे आया, 5,000 लेके चला गया। मेरी मत मेहनत कर रहा था। हाँ अब आपके घर पे है, कुछ तो करना पड़ेगा, है कि नहीं बाबू? चोर बहुत दिलेर है, हौसला तो देखो, दोबारा चोरी करने आ गया। ना ना अब ना आएगा। हाँ आपको कैसे पता? अरे हमने चोर के सर पे ऐसा डंडा मारा कि अभी वो डॉक्टर के पास पट्टी करवा रहा होगा। अरे वाह। एक काम कीजिए, आप लोग स्कूल चलिए, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा के आता हूँ। ठीक है चलो भाई, चलो चलो। चाची मतलब लटका दिया आपने चोर को, ठीक किया। आलोक मुझे लगा था कल रात तुम आए थे, लेकिन वो चोर आया था, तुम क्यों नहीं आए? तो आलिया हुआ ये कि अच्छा बेबी प्रॉमिस करो कि मुझे काले चोर से डर लगता है, ये बात तुम स्कूल में किसी को नहीं बताओगे, वरना बेबी सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, प्रॉमिस करो। हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, नहीं बताऊंगा किसी को कि तुम्हें काले चोर से डर लगता है। मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो वही तो मैं जानना चाहती हूँ ना, कैसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम मुझसे मिलने नहीं आ पाए और तुम्हारे चक्कर में वो चोर घुसाया घर में? कहा ना आलिया मजबूरी थी इसलिए नहीं आ पाया, वरना ऐसा होता कि मैं तुमसे मिलने ना हूं। हेलो सारा दिन इंतजार करती हूँ मैं कि कब रात हो और कब तुम मुझसे मिलने आओ। आलिया मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज रात मैं तुमसे मिलने आऊंगा और हम बैठ के आराम से बातें करेंगे, ओके? अब तुम स्कूल जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। हमने चोर के सर पे ऐसा डंडा मारा कि अभी वो डॉक्टर के पास पट्टी करवा रहा होगा। नंदन तू नहीं नहीं अरे देखो पैसों का इंतजाम कर तो रहे हैं ना। आ? नहीं अभी नहीं हो पाया पूरे पैसों का इंतजाम। अरे कल सुबह तुम्हारे आदमी को 5,000 रुपया दिए थे ना यार, तो हो जाएगा पूरे पैसों का इंतजाम। नहीं कल रात को नहीं हो पाया, आज पूरे पैसों का इंतजाम हो जाएगा रात को। हाँ ठीक। हे भगवान, ये काला चोर इसके सपनों में तभी क्यों आता है जब
मुझे आलिया से मिलने जाना होता है। बच गए, आलोक अब तक नहीं आया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज। Thank you.